चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज के भी टेक न्यूज़। और आज भी लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। और सबसे पहले जो न्यूज़ है दोस्तों सैमसंग की तरफ से है। सैमसंग गैलेक्सी A72 में 5 कैमरास आने वाले हैं, मतलब पेंटा कैमरा सेटअप रहने वाला है। ये जो है एक 5G चिपसेट के साथ आने वाला फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी A71 का सक्सेसर रहने वाला है। और ऐसी रिपोर्ट निकल कर है इस फोन में एक कैमरा मेन सेंसर होगा, दूसरा अल्ट्रावाइड सेंसर, तीसरा जो होगा वो टेलीफोनिक जूम होगा, चौथा माइक्रो सेंसर और पांचवा डेप्थ सेंसर। देखना इंटरेस्टिंग होगा सैमसंग की तरफ से सच में ये फोन लॉन्च होता है या फिर नहीं, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो क्वालकॉम की तरफ से आ रही है। क्वालकॉम प्रोसेसर के ऊपर प्रोसेसर लॉन्च करते जा रहा है। कल न्यूज़ आई थी क्वालकॉम ने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G को लॉन्च करने वाला है क्वालकॉम। और आज न्यूज़ निकल गया है क्वालकॉम जो है बहुत ही जल्द क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 775 को लॉन्च करने वाला है, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G से 40% CPU में और 50% GPU में फास्टर है। ये जो है ये थोड़ा ठीक लग रहा है 40% और 50% फास्टर, वरना बाकी के प्रोसेसर तो 20% 30% फास्टर होते हैं। मतलब इनका रियल लाइफ में तो कोई चेंज नहीं होगा पहले वाले प्रोसेसर से, दोनों ही सेम ही लगेंगे। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा ये जो प्रोसेसर है इस पे पहला फ़ोन जो है वो कौन सी कंपनी लाती है। शायद Xiaomi का Mi 10T जो है ये शायद पहला फ़ोन हो सकता है जो कि इस प्रोसेसर पे आने वाला है। और Mi 10T जो है वो 30 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, ऐसे Xiaomi ने अनाउंस कर दिया। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि Qualcomm के इस प्रोसेसर पे पहला फ़ोन जो है वो कौन सी कंपनी लाती है। और अगली चीज़ है दोस्तों वो Nokia की तरफ से आ रही है। नोकिया का 7.3 इसके कुछ इमेजेस लीक हुए जिसके अंदर दिखाई दे रहा है इस फोन में पंच होल सेल्फी कैमरा, साथ ही साथ क्वाड कैमरा सेटअप दिखाई देने वाला है। और रूमर्स ऐसे कह रहे हैं ये फोन जो है Qualcomm Snapdragon 690 प्रोसेसर पे आने वाले, मतलब एक चीपेस्ट 5G वाला चिपसेट जो रहने वाला है उस पे ये फोन लॉन्च होने वाला है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा नोकिया की तरफ से नोकिया 7.3 कब तक लॉन्च करता है नोकिया। और अगली जो न्यूज है दोस्तों वो एप्पल की तरफ से आ रहे हैं। एप्पल के वॉचेस इंडिया के अंदर मिलना चालू हो गए, मतलब एप्पल वॉच सीरीज के एप्पल वॉच SE और एप्पल वॉच 6 अगर आप इनको लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो ये इंडिया में आज से अवेलेबल हो गए। तो अगर आप इनको लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप एप्पल ऑनलाइन स्टोर से इनको बाय कर सकते हैं। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या सच में आप जो है एप्पल वॉच SE और एप्पल वॉच 6 सीरीज के वॉचेस लेने के लिए इंटरेस्टेड है या फिर नहीं, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और अगली जो न्यूज है दोस्तों जियो की तरफ से आ रही है। जियो ने आज कुछ प्लान्स लॉन्च किए जिनको यूज़ करके आप अगर इंटरनेशनल फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो आप वहाँ से कॉलिंग और SMS की सुविधा जो है वो उठा सकते हैं। ये प्लान्स जियो की तरफ से लॉन्च किए गए और ये जो प्लान है एक दिन के वैलिडिटी के साथ आते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लान्स दिख रहे हैं जियो की तरफ से। और जियो जो है वो शायद इंडिया की तरफ से पहली कंपनी है जिन्होंने ऐसे कोई प्लान्स लॉन्च किए। और हम लोग टेलीकॉम सेक्टर की बात कर ही रहे तो अगली न्यूज़ भी इसी की तरफ से आ रही है। वोडाफोन और आइडिया, ये जो कंपनी है ये 1GB तक का डाटा जो कुछ यूजर्स को फ्री दे रही है। SMS से बेनिफिट होगा इसको, मतलब आपको एप्लीकेशन के अंदर जाके VI एप्लीकेशन के अंदर जाके आपको चेक करना होगा क्या आपके नंबर पे ये जो सुविधा है ये फ्री है या फिर नहीं। बहुत सारे लोगों को ये सुविधा है जो है कि VI फ्री दे रहा है 1GB डाटा 7 डेज के लिए, मतलब कितना सारा डाटा, रोज़ का 1.5GB डाटा और फिर से ऊपर का ये एक 1GB डाटा, लेकिन ये 7 डेज में सिर्फ 1GB डाटा ही मिलने वाला है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों। और अगली जो न्यूज है दोस्तों वो OnePlus की तरफ से है। OnePlus 8T 14 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। इस फोन के बहुत सारे स्पेसिफिकेशन जो है वो लीक हो चुके हैं, कुछ कंपनी ने कंफर्म कर दिया, कुछ जो है लीक हो चुके हैं। आज ऐसे न्यूज निकल के आ रही, कंपनी ने आज कंफर्म कर दिया इस फोन में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं आने वाला, ये बात OnePlus ने आज कंफर्म कर दी है। मतलब OnePlus 8T में आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलने वाला, ये बात आज कंफर्म हो चुकी है। और अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो एप्पल की तरफ से आ रही है। एप्पल ने जो है वो अपने VR ग्लासेस का पेटेंट जो है वो फाइल किया है, कुछ इस तरह से दिख रहा है ये पेटेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एप्पल जो है वो इनको कब तक लॉन्च कर पाता है, शायद 2021 के फर्स्ट क्वार्टर या फिर सेकेंड क्वार्टर तक एप्पल जो है अपने एप्पल VR ग्लासेस को लॉन्च कर देगा। और इनकी प्राइस क्या होगी, 1.5 लाख 2 लाख या फिर उससे ज़्यादा क्या प्राइस होगी, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए दोस्तों आज के टेक न्यूज़ को ये खत्म करते हैं। अगर आपको टेक न्यूज़ पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी टेक न्यूज़ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो।